गुजरी महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद काहे रे मन चित में उद्दम जा आहर हर जियो परया शैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पर पाया सुखी काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक शुद्ध बनिता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पहो करिया उड़े उड़ आवे सह कुसा तिस पाछे बचरे छरिया उन कमन खलावे कमन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइये तेरा अंत न पारा भरिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। ये पावन शब्द गुजरी राग विच पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के मुखारबिंद तो उच्चारण किया हो चौपदे चार पदिया वाला है और पहले घर विच इसनू गायन करन दी हदायत है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद ये मंगलाचरण इस तो पहला के शब्द की विचार शुरू की जाए ये शब्द रहरास्ती बाणी विच नेता प्रति असी पढ़ते हैं जिमें सोदर की पौड़ी बारे या उन शब्दों बारे जिहड़े गुरबाणी विच एक दी जगह दो बारी या तीन बारी आए हैं उन्हां दा फर्क की शब्द गुरु पातशाह दे उच्चारण किए हुए पर उहदे विच थोड़े जे अंतर आम पाठी ते प्रेमी उस अंतर वल ध्यान नहीं दिंदे दास भी उन्हां विचों ही है पर विचार करदिआं जो समझ आई कि वह फर्क क्यों हैं अर्थां विच कोई फर्क नहीं पर वह इसलिए फर्क पाए हैं कि सानू पता लगे वो शब्द रह रास्ते पाठ विच है ये शब्द गुजरी राग विच तुसी आखोगे वो की फर्क नहीं जदों असी ध्यान नाल पढ़ांगे उत्थे है ऊडे ऊड आवे सह कुछ इत्थे है उडे उड आवे से उत्थे है तिन कवन खलावे कवन चुगावे इत्थे है उन कवन खलावे कवन चुगावे कहन दा भाव ये जो अंतर हन ये सानू विलखणता दर्शाउंदे हन तथा पाठ करदे समय जदों असी मूंह जबानी पाठ करदे हां ता उन्हां गलतियां तो सानू सावधान कर दे। हुण एक पक्ष साडे सामने होर है जिहड़े संप्रदायी टीकाकार हन या जिन्हां उस्तादां कोल असी पढ़े जदों गुरबाणी दे व्याकरण दी गल
होवेगी जरूर, क्योंकि गुरु पातशाह ने व्याकरण बनाया, पर उस समय सानू इस व्याकरण बारे कोई गल नहीं की। असी ते हर शब्द दे नाल साखियां सुनते आए हैं, और वो साखियां लोकां विच प्रचलित भी हो गई हैं। पर प्रिंसीपल साहिब सिंह जी, जिन्होंने विशेष तौर पर दर्पण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का लिखिया या होर वख वख बाणियों के सटीक भी तैयार किए, उन्होंने लगभग साखियां बिल्कुल कट दिता। की होया, किधरे मजबूरी बस उन्होंने किसी साखी को आधार मनिया हो रहा। पर इसके मुकाबले में जिहड़े टीकाकार संप्रदाई हैं, उन्होंने एक एक शब्द में कई कई साखियां जोड़ियां। इस शब्द में भी असी ये साखी सुनते आए हैं कि जदों गुरु रामदास सच्चे पातशाह ज्योति जोत समाउण तो पहला गुरु अर्जन देव जी नूं गुरता गद्दी ते विराजमान करके अमृतसर तो गोइंदवाल साहब चले गए, और थोड़े समय विच पातशाह ज्योति जोत समा गए। सिख धर्म के वेद व्यास भाई गुरदास जी उन्हां दिनां विच गुरमत का प्रचार करन वास्ते आगरे कांशी आदि गए हुए सन। जदों उन्हां नूं पता लगा कि गुरु रामदास जी ज्योति जोत समा गए, एक सिख होने के नाते, एक रिश्तेदार होने के नाते, वो श्री अमृतसर साहिब आए ते नाल बहुत सारिया श्रद्धालु संगतां नूं लै के आए। हुण कुछ टीकाकारां ने ते लिखिया कि जदों पहुंचे तां ब्यासा नदी उत्ते कोई पुल नहीं सी, सर्दी का मौसम सी, संगत दे नाल बजुर्ग भी सन, छोटे बच्चे भी सन, ते जेड़े मलाह सन वो अपनियां बेड़ियां किनारे ला के घर जा चुके सन, ते दरिया दे किनारे ठंड विच रात कटनी बड़ी मुश्किल सी। तो भाई गुरदास जी ने उस वेले सारी संगत नूं ये कहा, भाई वाहिगुरू का नाम जेड़ा ये सानू भव सागर तो पार करता है, ते इस दरिया तो पार नहीं करे। भाई साहब ने सारी संगत नूं कहा कि तुसी वाहिगुरू का सिमरन करो ते मेरे पिछे पिछे आ जाओ। इस तरह ब्यासा नदी नूं पार करके गोइंदवाल साहिब पहुंचे, रात उत्थे सुख आराम ना कटी, ते फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करन लई श्री अमृतसर साहिब तुर पए। एक तो यह साखी लिखी है कि जदों महाराज के दरबार विच पहुंचे तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने यह शब्द उच्चारण किया। कुछ टीकाकारां दी राय है कि जदों गुरु अर्जन देव पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान सन तां उन्हां दे दो वड्डे भराता बाबा पृथ्वी चंद ते महादेव उन्हां नूं बड़ी तकलीफ होई। उन्हां ने गुरु अर्जन देव जी दे विरुद्ध संगतां नूं अपने एजेंटां राहीं अपने पिछे लाउण दा यतन कीता। उन्हां तो कार भेट ते आप लै लैणी ते लंगर छकन वेले गुरु अर्जन देव जी वल भेजण। हुण कुदरत दा एक नियम है, जे असी लंगर विच कुछ पावांगे नहीं ते निरा खाई जावांगे फिर की होवेगा। भाई गुरदास जी ने यह गल सारी समझ ली, ते उन्हां नूं निश्चा हो चुका सी कि गुरु रामदास जी जिन्हां नूं आप गुरता गद्दी ते विराजमान करके उही पूर्ण गुरु हैं। मैं साखियां विच लंबा इसलिए नहीं जांदा कि समा नहीं है,
मैं सिर्फ हिंट दिता है कि भाई गुरदास जी ने पृथ्वी चंद ते महादेव की इस व्यौंत नूं स्कीम नूं खंडन करन वास्ते आप अगे लगे, बाबा बुढ़ा जी नूं नाल लिया, होर सियाने सिखां नूं नाल लेके पिपली साहब दे स्थान ते जाके बैठ गए। उदों ते पिपली साहब बिल्कुल अमृतसर तो दूर सी, ते हुण वड्डा शहर फैल गया, हुण उह विच आ गए। उत्थों आउण वालियां संगतां नूं रोक के समझा के भाई भुलेखे विच ना पिया जी। गुरु रामदास जी अपने हुंदिया गुरु अर्जुन देव जी नूं गुरता गद्दी ते विराजमान कर गए। इसलिए जो तुसी कार सेवा कार बेटा लियाए हो, जे गुरु महाराज नूं पचाउणी ते सब इत्थे रुको। संगत ने भाई साहब दा वचन मन्निया ते ओह सारी कार भेट लै के गुरु महाराज दे लंगर विच आ के पाई। पृथ्वी चंद ते महादेव नूं इह गल चंगी नहीं लगी। तो गुरु अर्जुन देव पातशाह ने जदों भाई गुरदास जी सामने आए, उन्हां नूं संबोधन करके ये वचन उचारे, पर इहदे विच किधरे भाई साहब दा कोई नाम नहीं है। सानू ते इहदे तो यही प्रेरणा मिलती है कि मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया। हुण जिहड़ा रह रास्ता पाठ है उहदे विच सो है, इत्थे से है। हे मेरे माधो जी, इत्थे भी एक साखी जोड़ी गई कि कश्मीर दे रहण वाले एक सिख भाई माधो जी सन, उन्हां दे जीवन दी भी कोई ऐसी घटना दसी गई। समा नहीं, मैं सिर्फ दस रहा कि पहला पुरातन ज्ञानमान ज्ञानी हर शब्द की व्याख्या करन लई कुछ साखियां नूं आधार बनाउंदे सन। इहदे विच कोई शक नहीं कि साखी सुनन ते कहन नाल शब्द नूं समझना थोड़ा सुखैन हो जांदा, पर कई वारी साखियां पूरी तरह ढुकदियां नहीं। इस लई मैं तुहाडी जानकारी लई दस दिता है, पर असीं अर्थ उवें ही करांगे जिहड़े गुरु शब्द तों मिलदे। मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया। हुण माधो शब्द जिहड़ा ये परमात्मा लई कई जगह बाणी विच वरत्या, जिहदा अर्थ है माया दा पति, माया दा आसरा। हे मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया। जिहड़ा जिहड़ा प्राणी सतसंगत विच शामिल हुंदा, जिहड़ा सतसंगत विच मिल के परमात्मा दी कीर्ति करदा, से तरे। ये अंतर ध्यान विच रखना, इत्थे से है रह रास विच सो है। गुर प्रसाद परम पद पाया। गुरु दी कृपा द्वारा जिन्हां ने परमेश्वर दा नाम जपिया उन्हां नूं परम पदवी दी प्राप्ति होई। सुके काष्ट हरिया, ते उन्हां दे सुके हुए मन हरे भरे हो गए। मतलब कहन तों कि उन्हां दे अंदर दैवी गुण पैदा हो गए। कुदरती गल है, जिहड़ा सतसंगत विच आएगा, जिहड़ा परमेश्वर दा नाम जपेगा, उन्हां ते गुरु दी कृपा हो जाएगी। जिन्हां ते गुरु दी कृपा हो जाएगी उन्हां नूं परम पदवी उच्ची आत्मक अवस्था मिलेगी, और उन्हां दे सुके हुए मन जिहड़े ने वह भी हरे भरे हो जाण। ये शब्द दी रहाओ दी पंक्ति, मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया रहाओ। हुण पातशाह जी शब्द दे आरंभ विच मन नूं संबोधन करके कहिंदे, काहे रे मन चितवै उद्धम। हे मन, तू अपने मन विच क्यों चितवनियां करदा?
ਹੁਣ ਕਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਸ ਉੱਦਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜਨ ਤਿਉ ਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਬਿਰੋ ਜੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ, ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਦੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਉੱਦਮ, ਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆਪ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਉੱਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨ ਤਿਉ ਪਾਏ। ਸੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨ ਤਿਉ ਪਾਏ, ਤਾ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਪਰਾ ਰਵਦ, ਪਾਛੇ ਬਣਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਲਸੀ ਅਚਰਜ ਏਕ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੰਧ ਹੈ ਧੀਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਕਮਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਮਨ ਦਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਤ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਤ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਉੱਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨ ਤਿਉ ਪਾਏ, ਤਾ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਰਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ, ਕੋਈ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਆਖਿਆ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਬਨਤਾ ਇਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਹੋ ਕਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਹੋ ਕਰਿਆ, ਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਊੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਊੜੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੰਜਾਂ ਨੂੰ, ਕੂੰਜਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਸੈ ਕੋਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ,
ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਲਈ ਉਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ ਇੱਥੇ ਉਨ ਹੈ ਰਹਿ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੈ ਉਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕੁੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਥਾ ਉਸ ਯਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਦਸ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਤਰੇ ਹੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਸਾਡੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੇ ਤਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ